घड़ी का आविष्कार सबसे पहले किस देश में हुआ था? पहले के जमाने में लोग सूर्य की छाया, उड़ती हुई रेत, ऐसे कई तरीके से देखा जा सकता था। उसी से ही इसके बाद अंदाजा लगाया जाता था कि दिन का कौन सा पहर चल रहा है। इसके अलावा पानी के बहाव से भी समय का पता लगाया जाता था। और इन अब सब सबसे पहले ईसा 1500 साल पहले मिस्र में बनाया गया था। बताया जाता है कि मिस्र में पानी से समय पता लगाने की पानी घड़ी कहा जाता था और इसका आविष्कार प्रसिद्ध चीनी विद्वान शू संग के 11वीं सदी में किया गया था। वो आज भी चीन के कैफेंग शहर में मौजूद है। फिर कुछ समय बाद पेंडुलम घड़ी का आविष्कार हुआ। इस घड़ी का प्रसिद्ध गणितज्ञ और भौतिक विज्ञानी क्रिश्चियन हैंजुन्स ने सन 1656 में किया था। आज पूरी दुनिया घड़ी के अनुसार चलती है, लेकिन इससे पहले सन 1505 में असल घड़ी का आविष्कार हो चुका था। हम आज भी दिनचर्या घड़ी के अनुसार निर्धारित करते हैं, लेकिन क्या आपको मालूम है कि घड़ी का आविष्कार आखिर किसने, कैसे और कब किया था? आप अगर जानते हैं तो आपको इतिहास जानने में दिलचस्पी होगी। अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं, हम आपको बताते हैं कि असल घड़ी का आविष्कार पीटर हैनलेन ने किया था। उनकी उस पहली घड़ी का नाम पोमेंडेंस वॉच था, जिससे सन 1505 में बनाया गया था।